मेनोपॉज या पीरियड्स का बंद होना हर महिला की लाइफ साइकिल का एक अहम हिस्सा होता है, और इस दौरान कई बारी तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, और अक्सर ऐसे सिम्टम्स होते हैं या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे महिलाएं खुद भी परेशान हो जाती हैं और उनके घर वाले, उनके हस्बैंड्स, उनके बच्चे भी उनके लक्षण से परेशान हो जाते हैं, और अक्सर वो कभी किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो सिम्टम्स मेनोपॉज के ही हैं या कोई और कारण के हैं। तो आखिर हैं क्या ये मेनोपॉज के सिम्टम्स, मेनोपॉज होता क्या है, कब होता है, और कैसे पहचाने कि ये मेनोपॉज ही है, यही सब मैं आज आपको बताऊंगी। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुड़गांव। तो आखिर मेनोपॉज होता क्या है और किस उम्र पे होता है? मेनोपॉज मतलब मीनो मतलब मेंसेस का, पॉज होना मतलब पीरियड्स का बंद हो जाना, जिसको हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। ये जनरली 45 टू 55 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है। इंडिया में इसकी औसतन एज करीब 46 ईयर्स है। कुछ महिलाओं में जब ये 40 ईयर्स के पहले हो जाता है तो हम उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। कई बारी ये 55 के बाद भी चलता रहता है, और अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पीरियड्स आना भी सही नहीं होता। तो आखिर मेनोपॉज होता क्यों है? हर महिला जब जन्म लेती है तो वो एक सेट नंबर ऑफ एग्स करीब लाखों में जो होते हैं और वो उसकी ओवरी में होते हैं। जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं तो ये हर महीने धीरे धीरे करके ये एग्स बनते हैं, ओवुलेशन होता है, और ये एग्स धीरे धीरे करके ख़त्म होते रहते हैं। जब ये एग्स करीब 45 टू 55 की एज में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं तो तब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब ये जो एग्स होते हैं ये ओवरी या अंडेदानी में बनते हैं, और उसी ओवरी से जब तक ये एग्स बनते हैं फीमेल हार्मोन, जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, उसका निर्माण होता रहता है। जब ये एग्स की संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ओवरी में, तो ओवरी से इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो ईस्ट्रोजन हार्मोन की आदी हो चुकी है, तो एक तरह से जब आपका मेनोपॉज होता है तो आपको ईस्ट्रोजन के विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। तो जो आपको लक्षण होते हैं मेनोपॉज के बाद, वो आपको ईस्ट्रोजन विड्रॉल या ईस्ट्रोजन ख़त्म होने की वजह से होते हैं। पीरियड्स रेगुलर आ रहे थे वो आपको 2 महीने या 3 महीने में आने लगते हैं, पीरियड्स स्कैंटी होने लगते हैं, और ये अक्सर आपको मेनोपॉज होने के 1 या 2 साल पहले से शुरू हो जाते हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉज फेज भी कहते हैं। फिर आपको कुछ वासोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जैसे नाइट स्वेट्स हो गया, हॉट फ्लैशेस हो गया, मतलब आपको सडनली बैठे बैठे बहुत गर्मी लगने लगती है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, सबको ठंड लग रही होती है लेकिन आपको लगता है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको एसी चलाने का मन करता है। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपके पेरिनियल मसल्स, मतलब आपके वजाइनल एरिया में ड्राइनेस होने लगती है, आपको सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर यूरिनरी मिएटस भी होता है, तो उस एरिया में ड्राइनेस की वजह से आपको रिपीटेड यूटीआईज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। कुछ महिलाओं में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या आ जाती है, मतलब उन्हें लगता है कि अगर वो ज़ोर से छींकेंगी या खांसी करेंगी तो उनका यूरिन लीक कर जाता है। कई बारी प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उनकी बच्चेदानी नीचे सरकने लगती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो आपका वजाइनल मसल्स को, यूट्राइन सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है, और उसकी कमी की वजह से ये सपोर्ट सिस्टम्स वीक हो जाते हैं। बहुत कॉमनली मेनोपॉज के समय मूड स्विंग्स देखे गए हैं, महिलाओं में बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, कुछ महिलाओं में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे गए हैं, वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके बच्चे बड़े परेशान होते हैं, हस्बैंड्स परेशान होते हैं, आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं इनको क्या हो गया है, बहू से झगड़ा हो रहा है, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स इसलिए होते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन आपकी मेंटल स्थिति को भी मेंटेन करके रखता है, तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स आने लगते हैं। स्किन की ड्राइनेस होने लगती है, रिंकलिंग ऑफ स्किन होने लगती है, आपके हेयर कई बारी थिन आउट हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है,
ब्रेस्ट की सैगिंग हो जाती है और कई बारी महिलाएं बिकॉज उनकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आने लगते हैं तो वो इससे डिप्रेशन में जाने लगती हैं। इन सब की वजह से कई बारी नींद में फ़र्क आने लगता है, वो ठीक से सो नहीं पाती हैं, तो ये सारे ही सिम्टम्स होने लगते हैं। ईस्ट्रोजन आपकी बोन्स के लिए, आपके हाथ के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव होता है। तो मेनोपॉज के बाद अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ने लगती है और अक्सर हार्ट डिजीज का रिस्क भी मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है। बोन्स में बोन्स ब्रिटल होने लगती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। तो इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि 60-70 की उम्र में महिलाओं में फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन होते हैं। तो ये सारे ही लक्षण मेनोपॉज के होते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, इसके लिए हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। और अक्सर सिर्फ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आपके सिम्टम्स में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है और क्या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।